अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एक ऑडियंस आती है, ठीक है। फेसबुक में हम जितने ज्यादा अपने मतलब रिटारगेट ऑडियंस या फिर हम जो बनाते हैं उस ऑडियंस का यूज करते हैं, हम उतना ज्यादा आरओआई फेसबुक एड्स की हेल्प से निकाल पाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऑडियंस बता रहा हूं, अगर आप उसको यूज करते हो तो आप बहुत अच्छा जो प्रॉफिट आप फेसबुक एड्स की हेल्प से निकाल सकते हो। यहां पे हम बात करने वाले हैं आज लुक अलाइक ऑडियंस की। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोगों को रिटारगेट कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है, बनती कैसे है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे, और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा आरओआई फेसबुक एड्स की हेल्प से निकाल सकते हो। उस ट्रिक को बताने के लिए कोर्सेज में लोग बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में वो जानने को मिलेगी कि कौन सी है वो ट्रिक। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छा आरओआई निकाल सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है, बनती कैसे है और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है। देखो, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है कि मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है और आपने उसकी फेसबुक पे एड चलाई थी और वहां से 1000 से ज्यादा लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो अब आप फेसबुक को क्या बोल रहे हो कि मुझे ऐसी ही लुक अलाइक ऑडियंस चाहिए। मतलब कि ये जो 1000 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा ना, ऐसे ही इनकी जो सिमिलरिटीज हैं, ऐसे ही लोग मुझे चाहिए, ऐसे ही लोग मुझे और लाके दो, तो फेसबुक आपको और वैसे ही लोग लाके देगा जो ऐसा प्रोडक्ट बाय करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, जो भी चीजें वो करते रहते हैं, तो फेसबुक वैसी ही ऑडियंस आपको लाके देगा, ठीक है। तो अभी इसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस, और अभी अपन लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि लुक लाइक ऑडियंस होती क्या है। सो अभी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और ये मेरा एक एड अकाउंट है, मैं मेरे ऑडियंस के सेक्शन में हूं। अगर आपको ऑडियंस के सेक्शन में नहीं जाना आता तो सिंपली आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको ऑडियंस दिखाई दे जाएगा। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे तो सिंपल आपको अपने यहां पे, ठीक है, जो ऑल टूल्स है, ठीक है, ऑल टूल्स पे आपको क्लिक करना है, या तो आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा। अगर आपको यहां पे भी नहीं दिखाई देता तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको कहीं ना कहीं ऑडियंस का सेक्शन दिखाई दे जाएगा। फिर आपको अपने इस सेक्शन में आ जाना है, एंड लुक लाइक ऑडियंस बनाने से पहले आपके पास में अपनी एक कस्टम ऑडियंस होनी चाहिए। अब कस्टम ऑडियंस बनती कैसे है, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कस्टम ऑडियंस हम कैसे बनाते हैं, तो मेक श्योर अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसकी लिंक डाल रहा हूं, वहां पे जाके पहले वो वीडियो देखना कि कैसे हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद में ही आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि जब तक आप कस्टम ऑडियंस नहीं बनाओगे आपकी लुक अलाइक ऑडियंस नहीं बनेगी। तो कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद में आपको यहां पे आ जाना है। मैंने मेरी पहले से परचेजेज की जो मेरी कस्टमर लिस्ट थी वो मैंने फेसबुक को दे रखी थी, और ये मेरी एक कस्टम ऑडियंस है। अब मैं यहां पे इसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाने वाला हूं, ठीक है। तो सिंपल आपकी जब कस्टम ऑडियंस बन जाएगी तो आपका भी यहां पे कुछ ऐसा ही शो करेगा जो आप अपनी ऑडियंस को नाम दोगे वो। तो मैं यहां पे सिंपल इस पे टिक करता हूं, और टिक करने के बाद में यहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट लुक अलाइक, तो क्रिएट लुक अलाइक पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहां पे आपको अपनी ऑडियंस का सोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, वहां से सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपकी जितनी भी कस्टम ऑडियंस है वो आपको दिखाई दे जाएगी। जिस भी कस्टम ऑडियंस की, देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कस्टम ऑडियंस, जिस भी कस्टम ऑडियंस की आप लुक अलाइक बनाना चाहते हो मेक श्योर उस अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना। मैंने मेरी परचेज की जो है उसको मैं लुक अलाइक बनाने वाला हूं, ठीक है। लोकेशन में आपको यहां पे याद रहे हमेशा इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस जब भी आप बनाओ तो आपको लोकेशन डालनी पड़ती है, तो मेक श्योर अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेना। अब यहां पे देखो सेलेक्ट ऑडियंस साइज, ठीक है, सेलेक्ट ऑडियंस साइज, नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस, कितनी लुक लाइक ऑडियंस चाहते हो आप। देखो यहां पे 0 से लेके नंबर 10 तक है, ठीक है, 0 से लेके नंबर 10 तक यहां पे आपको ऑडियंस दिखा रहा है फेसबुक एड्स। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं कि आपने क्या बोला है फेसबुक एड को कि ये मेरी ऑडियंस है, ठीक है, ये मेरी ऑडियंस है जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट और जो जितने भी जो भी मेरी सर्विस है उसको परचेज किया है, अब ऐसी ही ऑडियंस मेरे को ला के दो। अब फेसबुक क्या बोल रहा है कि ठीक है मैं आपके लिए ऑडियंस तो लेके आया हूं, ठीक है, मैं आपके लिए ऑडियंस तो लेके आया हूं, और लेकिन इसके 10 गुण और इसके 10 गुण पूरे मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी आ गई 0 to 1, ठीक है,
0-1% में जो ऑडियंस आ रही है, मतलब उनके सारे के सारे गुण मैच हो रहे हैं। फिर क्या, फिर आगे क्या ऑप्शन आ रहा है कि 0-2%, ठीक है, 0-2%। अब फेसबुक क्या बोल रहा है कि आपने मुझे ऑडियंस दी उसके 10 गुण हैं, लेकिन मैं जो लेके आ रहा हूं ना उसके 9 गुण ही मिल पा रहे हैं, तो एक गुण की कमी है, तो हम बोलेंगे एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको 3, एक गुण और कम हो गया, ठीक है, 4, मतलब समझ पा रहे हो ना, जैसी सिमिलरिटीज अपन बोल रहे हैं फेसबुक को कि हमें वैसे लोग लाके दो, लेकिन फेसबुक यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको कितनी सिमिलरिटी चाहिए, आप मतलब कहां तक एडजस्ट कर सकते हो उस ऑडियंस को। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये एक नंबर है, यहां पे आपको 5 सेलेक्ट कर देना, 5 सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, इसको कर देना 0-1 और 1-2 और 2-3, 3-4 और 4-5। आपको 5% तक अपनी ऑडियंस बनानी है, यहाँ पे देखो 5% तक आपकी ऑडियंस बन गई है, और 1% में, मतलब एक ऑडियंस में आपकी 6 मिलियन की ऑडियंस है। टोटल यहाँ पे बात करें तो 30 मिलियन की ऑडियंस बिना टारगेटिंग की आपके प्रोडक्ट के लिए फेसबुक एड्स दे रहा है। ये है लुक अलाइक की पावर, ठीक है, 30 मिलियन गाइज, कितना ज्यादा आप यहां से, मतलब बोल रहा हूं कि अगर आप इसको ढंग से यूज करते हो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। ये वो ऑडियंस है जो मतलब आपने परचेज किया, सिमिलर ही ऑडियंस रहती है, ये बहुत अच्छा यहां से रिजल्ट आता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 30 मिलियन की ऑडियंस आपको यहां पे मिल रही है। सिंपल आपको क्रिएट ऑडियंस पे यहां पे आपको क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे आप, एक सेकंड हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, जैसे ही आप वहां पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे आपकी ऑडियंस बनके रेडी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, देखो ये हमारी ऑडियंस बनके रेडी हो गई है, पॉपुलेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी अपन इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं अपनी लुक अलाइक ऑडियंस को। बात कर लेते हैं कि जब भी आप इनको यूज कैसे करना है, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा था वो गाइज करना क्या है, इन लुक अलाइक ऑडियंस का जब भी आप कैंपेन बनाओ तो आप एक एड सेट के अंदर 5 ऑडियंस को कभी मत डालना, एक कैंपेन बनाना, 5 अलग अलग एड सेट बनाना, और अलग अलग एड सेट बनाने के बाद में अलग अलग ऑडियंस डालनी है। पहले एड सेट में डाल दिया 0-1%, दूसरे में 1-2, तीसरे में 3-4, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग 500 एड सेट में अलग अलग ऑडियंस को डालनी है, और फिर एड्स आप अपने हिसाब से जितने डालते हो वो डाल सकते हो। देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जो मेरे केस में अगर मैं बताऊं तो 1% और 1-2% वाली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एंड आपके केस में भी यही करें, लेकिन जरूरी नहीं है, 5 में से कोई भी कर सकती है, और जो भी आपका काम कर रही है उसको स्केल करो, एंड डेफिनेटली यू विल गेट ऑल्सो गुड रिजल्ट। तो यहां तक अपन ने देख लिया लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है, बनती कैसे है, और कैसे इसका कैंपेन बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इसका एक प्रॉपर कैंपेन बनाना है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि वो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाके आप मेरे को मेंशन कर सकते हो, जो भी दिक्कत है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।